तकनीक जिवें जिवें बढ़ती जाती है उत्थे ही साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लुधियाना पुलिस वालों साइबर क्राइम की कड़ी के तहत ही एक अजिहे ग्रोह का पर्दाफाश किया गया जो कि नकली आईडी प्रूफ या वेरीफिकेशन से सिम बेचते सन। गिरोह के पांच मैंबरों के विच जीजा साला भी शामिल ने। पुलिस ने गिरोह के पांच मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है जिस विच प्रिंस राहुल सरबजीत सिंह जतिंदर कुमार और सौरभ कुमार शामिल ने। ADCP ने इस बारे खुलासा किया और दसाया कि यह नकली सिम 250 रुपए चे अगे बेचते सन। ADCP दीपक पारिक ने इस संबंध जानकारी दिंदा दसाया कि मुलाजम का चीजा एक नामी सिम कंपनी के विच डीलर है और उसके साले नु उसने डेमो सिम लैके दी सी जिस तो अगे वह लोग जो अपने आईडी प्रूफ को रह के सिम खरीदते सन उन्होंने बख फोटो कापियां कर लेंगे सर और फोटोआं भी खिंच लेंगे सर जिस तो बाद उस प्रूफ के नकली सिम अगे एक्टिवेट करवा के बेचते सन। उन्होंने कहा कि तीन अजिहे मुलजमान नूं उन्होंने वेरीफिकेशन कर लिया है अते 120 दे करीब इन्हां कोलों नकली सिम प्राप्त किए गए ने। उन्होंने कहा कि प्रिंस मुलजम रिम्पी टेलीकॉम का एजेंट बन के अते उसकी आईडी बना के अगे फिर सिम जारी करता सी। दीपक पारिक ने दसिया कि यह सिम किते किते बेचे गए इस संबंध जांच की जा रही है। उन्होंने दसिया कि इसका खुलासा उदो होया जदों एक लड़की नूं एक लड़का फेक नंबर तो तंग परेशान करता सी अते जदों उसकी वेरीफिकेशन की गई तो पता लग्या कि कोई होर सी अते पूरी जांच तो बाद इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जिहदा इस्तेमाल कोई होर बंदा कर रहा सीगा किसी महिला नाल छेड़छाड़ करने लई उदी तफ्तीश असी शुरू की। एक सिम तो असी फाइंड आउट किया जिन्हें जारी किया सीगा उन्होंने गए पिछे चलते चलते सानू पता लग्या कि एक फेक सिम का रैकेट काम करता है जिस गिरोह दे विच असी हुण इस वेले पांच बंदे साडी गिरफ्त दे विच आए ने। ये की करते सीगे कि कोई व्यक्ति जदों अपना जेनुइन सिम लैके जेनुइन सिम जारी कराने लई दुकान ते जांदा है ते अपना आधार कार्ड ते फोटो देंदा है उस वेले उस व्यक्ति की एक तो वध फोटो खिंच लेंदे सी ते उहदे आधार कार्ड की कॉपी रख लेंदे सी। बाद दे विच कोई होर अल्टरनेट नंबर कोई व्यक्ति दुकान ते आया उहदे अल्टरनेट नंबर ते OTP लैके ते इहदी फोटो ते आधार कार्ड लगा के फेक सिम बना लेंदे सी। ਉਹ ਫੇਕ ਸਿਮ ਇਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 120 ਫੇਕ ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਮ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ फेक सिम बनाते सीगे यदी कंप जे एक बंदा हैगा जिन्हें कंपनी बनाई सी रिम्पी टेलीकॉम नाम की और रिम्पी टेलीकॉम के थ्रू ये फेक सिम बनते सीगे ते गां एक बंदे नू जिहड़ा कित्थे हैगा रजनीश है मनजीत लास्ट सौरभ हाँ किधर हाँ दरेसी दे विच एक टेलीकॉम वाला हैगा सौरभ बंदा जिन्हों गां सप्लाई कई एजेंटा के थ्रू करते सीगे ते ओ ये वेचदा सीगा। नहीं इन्हों का मेन क्राइम यही है फेक सिम वाला लेकिन ये कि जोड़ा सिम जारी होए वो एक सिम तो हूँ तक सूँ पता लगे जिसे क्राइम के रजिस्टर होया है तो उस सिम से 3 मुकदमे 3 FIR दरेसी थाने दर्ज हो चुके हैं। ये एक दरेसी का रहने वाला एक सलीम टाबरी का एक दो ताजपुर रोड के रहने वाले एक नीश शुकरी का रहने वाला ये 250 रुपये का सिम वेचते सी। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ OTP ਵਗੈਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਵਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ EKYC ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਥੰਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਲਸਾਜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੇਰੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ?
देखो ये इन्हों के पुछगिछ के 120 सिमता मन रहे हैं, लेकिन साढ़े मुताबिक यदि संख्या होर भी हो सकती है। तो इन्हों तो असी लगभग 124 के करीब सिम इन्हों की शॉप तो बरामद भी किए हैं, जिदे 12 करीब सिम असी वेरीफाई कर चुके हैं जेडे फेक है, तो बाकी की वेरीफिकेशन जारी है। ये जी इन्होंने शुरू किया 2019 के काम हाँ जी उही मैं तुहानू दसन लगा है प्रोसेस किदा चलता है। जिदा एक बंदा कोई एक रिटेलर बनना चाहता है तो इन्हें की किया कि इस बंदे का जीजा जिहड़ा है वह वोडाफोन का डिस्ट्रीब्यूटर सीगा, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर तो एक रिटेलर वाला सिम ले लिया जिन्होंने कि डेमो सिम कहते हैं। उस डेमो सिम के आधार पर वोडाफोन तो सिम ये जीजा ने वेरीफाई करा के इन्हों देता, तो उसी आधार पर यह अगे गाँ तो गाँ फेक सिम जारी करता रहा। यदा जी मुख्य परपज़ तो पैसा कमाने हैगा योजे क्राइम का, क्योंकि इन्हों के खिलाफ होर तो कोई योजे आई नहीं कि खुद एक्टिविटी के इनवॉल्व सके। एक क्रिमिनल भी देंगे ना, जो बंदा किसी लड़की को छेड़खानी करता उन डुप्लीकेट सिम की लोड़ होंगी है भी जो एड्रैस ना तस्दीक हो सके। जो साढ़े को द्रेसी मुकदमे है वो यही गल आई है भी उन्होंने लड़कियों ने छेड़खानी की, उन्होंने मोडोस्टी हार्म कर कामों में वरतते। देखो तफ्तीश के दौरान सामने आया कि इन्हों की दुरवरतों कितों तक हुई है। जिदा कि असी पहला दस्या दरेसी थाने के एफ आई आर नंबर दर्ज ने 135, 137 ते 125 पिछले साल के है, है दो एफ आई आर है आई टी एक्ट के सैक्शन लगे हुए हैं 67 ए आई टी एक्ट लग्या, तो महिला नाल छेड़छाड़ के सैक्शन वो जी है पिक्स वगैरह अपलोड की गई है, वो एफ आई आर दर्ज है जिदे इसी बंदे तो जारी किया गया एक फेक सिम वरत्या गया सी। ते ए तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में इन्हों के फेक सिमा से होर भी मुकदमे सामने आए। देखो जी हुण इहदे विच कई सिम तो बंद आ रहे हैं, कई सिम असी हौली हौली इकला इकला बंदा बुला के ट्रेस कर रहे हैं कि लोकेशन उन्हों की इत्थे हैगी कि वह स्टेट तो बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूज़ अपडेट्स।